नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @RA3Classes में, जिसमें कि आज रीजनिंग का क्लासेस शुरू होने वाला है और जिसमें सब्जेक्ट आपका चैप्टर वाइज रहेंगे। चैप्टर वाइज में आज ब्लड रिलेशन पढ़ाए जा रहे हैं। क्लास को जरूर ज्वाइन से ज्वाइन करें, जो जो बच्चे भी नए नए ज्वाइन किए हैं जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ज्वाइन करें। आज ब्लड रिलेशन आए जाएंगे। जैसा कि है, बिना देरी किए हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे @RA3Classes में। क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, जिसमें कि आज ब्लड रिलेशन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देखिएगा। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बता रही, तो हिंदी में कहते हैं रक्त जिसमें उसको कहते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप नोट कीजिएगा। थोड़ा मैं बेसिक से बताना कोशिश करूंगा ताकि आपको बेसिक से पता हो सके। बेसिक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ कमेंट कर सकते हैं आप, कि मैं कमेंट के माध्यम से आपको समझ सकूं कि आप किसी तरह का प्रॉब्लम हो। तथा इस अध्ययन के अंतर्गत परीक्षार्थी को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध में विवरण दिया जाता है। हमें उस विवरण के आधार पर व्यक्ति के मध्य संबंध ज्ञात करके पूछे गए व्यक्ति के संबंध ज्ञात करना होता है। चलिए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नोट कर सकें। ठीक है, लिखिएगा। अध्ययन या इस अध्याय अंतर्गत सब्जेक्ट जो भी हो अंतर्गत शिक्षार्थी दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध विवरण नोट करते जाइएगा, विवरण दिया जाता है। हमें विवरण के आधार पर उन व्यक्तियों के मध्य नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। मध्य संबंध ज्ञात
पूछे गए। व्यक्ति का संबंध याद करना होता है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें बेसिक यही फॉर्मूला है कि दो व्यक्तियों के बीच, मतलब कि हम अपने जो भी हैं किसी के व्यक्ति के बारे में पूछे जाते हैं, उसमें दो व्यक्तियों के आपस का रिलेशन उसके बारे में जानते हैं, तब जाके हम इसका डिफिनेशन फाइनल कर पाते हैं कि वो मेरा आदमी कौन लग रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आगे, तो इतना नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त संबंध, एक पॉइंट लिखेंगे ऊपर में कि रक्त संबंध है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानना कोशिश करेंगे। चलिए नोट कीजिएगा। रक्त संबंध या संबंधी, तब जो खून के रिश्ते होते हैं, संबंधी प्रश्नों में निपुणता के लिए व्यक्तियों का आपस में जो संबंध, नोट करते जाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बेसिक से बता रहा हूँ, संबंध बनता है व्यक्ति नाम से जाना जाता है। इस तथ्य का ज्ञान होना आवश्यक है। नोट कीजिएगा, भी मैं बताऊंगा। अंग्रित सारणी, मैं सारणी बना के दूंगा जिसमें कि आपको बता सकता हूँ सब कुछ। का विवरण दिया गया है। देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, रक्त संबंध प्रश्नों में निपुणता के लिए व्यक्तियों का आपस में जो संबंध बनता है उसे उन तो उससे किन नाम से जाना जाता है, ये उसको डिफाइन करता है। ठीक है, देखेंगे आगे। इस तथ्य का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके किस नाम से जाना जाता है, उसके तथ्य को जानेंगे तभी तो उसके बारे में कुछ आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, सारणी में देता हूं, अंकृत सारणी जिसका विवरण दिया गया है, मैं इसका सारणी बना के भी देता हूं। ठीक है, ना नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार
देखिएगा, नोट कीजिएगा। माँ या पिता का पुत्र, भाई। नंबर वन। माँ या पिता बहन, भाई। पुत्री, ये पुत्री हो जाएगा। नंबर माँ का भाई, माँ का भाई, मामा। चौथा, पिता का भाई या पिता का बड़ा भाई, कौन होगा? आओ, पिता का बहन, कौन होगा? हुआ, अच्छा। माँ का पिता, बताइएगा। माँ का पिता, नाना। सातवां, माँ का मामा, माँ। माँ का माँ, बोलिएगा, नानी। ये मैं रिश्ते बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन रिश्ते किसके लगते हैं, आपके रिश्ते में आपको कौन लगेंगे, ये जानना जरूरी है, तभी ब्लड रिलेशन आपका बन पाएगा एग्जैक्ट। पुत्र की पत्नी, की पत्नी, पुत्र वधू। पत्नी की बहन, पति बहन, पत्नी की बहन, काले। 10 नंबर, पत्नी का भाई, भाई कौन होगा? साला।
इतना नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़े। चलिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए कौन रिलेशन क्या पढ़ते हैं। 11 पति का छोटा भाई देवर। 12 भाई की पुत्री भाई की पुत्री कौन होगा? भतीजी। 13 पत्नी पब्लिक पति की माता कौन होंगी? दास। 14 पुत्र का पुत्र बोलिए कौन होगा? पोता या नाती। 15 पुत्री का पुत्र नवाशा कौन होगा? नवाशा। 16 पिता का छोटा भाई कौन होगा? चाचा। ठीक है। 17 माँ का बहन बताइए कौन होंगे? मौसी। 18 बुआ का पिता के पति बुआ का पति कौन होंगे? फूफा। 19 देखिएगा ये पिता का पिता पिता का पिता कौन होंगे? दादा। 20 पिता का माता दादी। 30 पुत्र का पिता या पुत्री का पिता पति
पति दामाद भाई, पति का बहन बहिन, ननद। पति का भाई, जेठ। चौबीस भाई का पुत्र, भाई का पुत्र भतीजा, चलिए आगे। 25 पत्नी, पति पिता, ससुर। बस जो लिखवा रहा हूं इससे आगे कोई रिश्ते होते ही नहीं है, बस इतने रिश्ते हैं। 20 नंबर, बहन का पति, बहन का पत्नी, बहन का पति ना होगा, हाँ पति, बहन हुई। जो मैं लिखवा दिया इससे आगे कोई रिश्ते होते नहीं है, बस इतने में ही आपके रीजनिंग पूरी तरह से ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसको नोट जरूर कर लीजिए ताकि इसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पोते की पत्नी, पोते की पत्नी, तो पोते का पुत्र, पोते पोता, ठीक है। ये 28 रिलेशन होते हैं, इससे आगे आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी रिलेशन को आप जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करके अब आगे लिखते हैं। चलिए देखिएगा, नोट कीजिएगा। नोट नंबर वन, देखिएगा, जिस व्यक्ति के साथ साथ का जी के शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे
लिखना चाहिए। देखिए क्या कहता है नोट में, जिस व्यक्ति के साथ का अब की के से शब्द आते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखना चाहिए। नोट खींचते जाइएगा। चलिए नोट नंबर टू, नोट नंबर टू लिखिएगा। चलिए देखिएगा, पुरुष पुरुषों के लिए लिखना चाहिए। महिला के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। देखिएगा नोट नंबर थ्री, देखिएगा दो नोट हो गया होगा। चलिए आगे लिखें, चलिए इसमें नेक्स्ट पेज में लिखते हैं नोट नंबर थ्री। चलिए नोट कीजिएगा। रिश्ते रिश्ते के प्रश्न प्रश्नों में अधिकांश अधिकांशता प्रथम व अंतिम पुरुष व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसके लिए पुरुष बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। देखिएगा पहला बिंदु आ नोट कीजिएगा, यदि
गए सवाल प्रश्न में दोनों व्यक्तियों साथ हाँ शब्द आते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ उसका का शब्द का शब्द आया हो। देखिए क्या लिख रहा है, रिश्ते के प्रश्नों में अधिकांश प्रथम व अंतिम व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है, ठीक है। इसके लिए अंक मतलब आगे वाला बिंदु ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि पहला पॉइंट है, मतलब कि अ वाला पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट है। यदि पीछे मतलब यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्ति के साथ तथा से शब्द आते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ का मतलब का आया हो, यहाँ पे से आया हो, मतलब का आया उसका शब्द होता है, मतलब आया हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक देते हैं क्वेश्चन, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरी कहीं पे डाउट नहीं होगा आपको, मैं पूरे पॉइंट बताते हुए आऊँगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं, देखिएगा। राम का श्याम से क्या संबंध बताइएगा। देखिए क्या आया का, क्या आया किससे से। इस वाक्य का अर्थ है कि राम का संबंध, मतलब अर्थ है कि राम श्याम का क्या लगता है, राम जो है श्याम का क्या लगता है, बताइएगा। संबंध पूछ रहा है ना, क्वेश्चन इस तरह के पूछेंगे, मतलब इसमें इस तरह का एग्जाम्पल, मतलब जो का और से का संबंध जो है इसमें पूछ रहा है, तो राम इसका अर्थ क्या है, राम श्याम का क्या लगता है ना। इस तरह से समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े, कोई डाउट। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा। नोट करके उसी का है, मतलब तीसरे का दूसरा पॉइंट है, ठीक है।
तीसरा नंबर का दूसरा पॉइंट है, ठीक। चलिए देखिएगा, लिखिएगा, यदि पूछे गए सवाल प्रश्नों में या प्रश्नों में दोनों व्यक्ति, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक कहीं भी कंफ्यूजन आप लोग को ना हो किसी तरह का, या चैनल पे पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, कहीं डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाइए। कि एक यदि पूछे गए प्रश्नों में से दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के साथ किसी का अथवा से शब्द आता है तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध किसी करना होता है जिसके साथ में के साथ ये दोनों ये दोनों शब्द नहीं आए हों, ठीक है, विदाउट। चलिए उदाहरण के लिए देखिए, देखिए देखिएगा, समझ में आ जाएगा, उदाहरण देता हूँ। श्याम राम से किस प्रकार बात संबंधित है, क्या होगा बताइएगा। राम का जो श्याम है, राम का क्या लगता है? पहला तो ये हम कह सकते हैं, श्याम जो है, राम का क्या लगता है? ठीक, पहला, या हम क्या कह सकते हैं, दोनों वाक्यों का एक अर्थ है, श्याम का क्या लगता है, अर्थात श्याम का संबंध राम से क्या है, ये भी कह सकते हैं, श्याम का संबंध राम से क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिएगा, यदि दिए गए प्रश्न में से दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के साथ का अथवा से शब्द आता है तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना हो
करना होता है जिसके साथ ये दोनों शब्द नहीं आए हों। समझे? किसके साथ नहीं आया? ये राम के साथ तो है लेकिन श्याम के साथ नहीं है, तो हमको श्याम का रिलेशन जानना है कि राम के साथ किस प्रकार का संबंध है, श्याम का संबंध राम से किस प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा तो इसमें एक चीज और है, इसमें होता है क्या कि वंशज को आपको ध्यान देना होगा, वंशज के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनें होती हैं, जैसे कि उसके क्रम के आधार पर प्रश्नों को हल करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पता होना चाहिए कि पिता का पिता कौन होंगे, दादा दादा के पिता कौन होंगे, परदादा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के वंशज वाले रिलेशन में भी एकलौता शब्द उस रिश्ते के केवल एक व्यक्ति के संकेत को, व्यक्ति को होना संकेत होता है। ठीक है, एकलौता पुत्र मतलब एकलौता पुत्र का अर्थ है पिता के एकलौते एक पुत्र या पुत्री भी हो सकता है। एकलौता पुत्र का मतलब एकलौता बेटा कहा जाता है ना रिलेशन में, एकलौता बेटा है, एकलौता पुत्री है, ये पता होना चाहिए। इकलौता होता क्या, इकलौता मतलब सिंगल, उसके और कोई वंशज में नहीं है, वो सिंगल पर्सन है, मतलब इकलौता पुत्री है, मतलब ना बेटा है ना कोई और, एक बेटी है सिंगल, इकलौता पुत्र है, तो एक बेटा है और उसके वंशज में नहीं है। इकलौता का मतलब संतान का अर्थ होता है कि वह संतान चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, सिंगल हो। ठीक है, ये लिखने की जरूरत है क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिश्ते संबंध, रिश्ते संबंधित प्रश्नों को हल करते समय अंग्रेजी अनुवाद को भी पढ़ लेना चाहिए, जिससे समान स्तर के रिश्ते के हिंदी अनुवाद करने से होने वाली गलतियों को बचा जा सकता है। कई प्रकार के जैसे आप देखते होंगे परीक्षा में नतनी पो नाती के स्थान पे या पोता पर पोता, मामा के स्थान पे चाचा, भतीजा के स्थान पे भतीजा भतीजी, अतः इसमें बहुत तारे के रिलेशन होते हैं ना, इस तरह के जो भी हो रिलेशन होते हैं वंशज वाले, उसको बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए, तो देखते हुए चलना चाहिए। चलिए प्रश्न करने के इसका होता है उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक प्रश्न को हल करते समय कुछ विधियां को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न को हल करने विधियां, देखिए पहली विधि लिखिएगा, मुखपात्र स्वयं को मानकर, मुखपात्र स्वयं को मानकर, मतलब सबसे पहले तो हम लोग अपने मुख मतलब पहले अपने हम आपको मानेंगे, मुखपात्र जो क्वेश्चन रहेंगे उसका मुखपात्र कौन मानेंगे, स्वयं को। स्वयं को मानकर ठीक है, इसको ध्यान देते हुए बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, इस प्रकार का इसमें थोड़ा सा लिखे लिखेंगे हम पूरा समझाते हुए लिख देते हैं। इस प्रकार
प्रश्न में रिश्ते के लिए या किसी रिश्ते के किसी कारण भी एक पात्र को जो मुख्य पात्र हो स्वयं को मान लेना चाहिए जिससे या जिस पर प्रश्न आधारित प्रश्न होता है और फिर बाकी पात्रों का रिश्ता अपने ऊपर लागू करके देख सकते देख लें इस प्रकार हल करके करने से आसानी एवं सरल से हल होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान जरूर देंगे ताकि इस क्वेश्चन इस तरह का बनाएंगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसकी दूसरी विधि। विधि दूसरी नोट कीजिएगा, त्रिविधि। इसमें पात्रों को तीर लगी रेखाओं क्रमशः पात्रों जोड़ते हैं
तथा वीर को निशान पर उस पात्र का पूर्व के पात्र से अधिक रिश्ता लिखते हैं हर एक पूरा बनाने पश्चात विशिष्ट पात्र का क्रमशः दूसरे पात्र या पात्रों से रिश्ते लिखते याद कर उत्तर की प्राप्ति की जाती है। इस ठीक है, नोट कर लिए। चलिए एग्जाम्पल में आप समझते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी तरह का, तो कोई बात नहीं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। अब क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन के अब नोट मैंने लिखवा दिया, सभी विधि बता दिया, रिलेशन बता दिए हैं, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन हम इजी वे में बनेंगे, देखिएगा देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन, अरुण रोज रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से प्यास रिश्ता है या क्या संबंध है, रिश्ता है। चलिए बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आप बना लेंगे, बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पहला विधि को यूज करते हुए बना सकते हैं, दूसरे विधि को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। पहला विधि का हम यूज करते हैं, विधि फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा पहला विधि में माना कि, मतलब दिलीप
आप स्वयं हैं, ठीक है। माला आपकी पत्नी है, माला आपकी, पहला विधि कहता है कि स्वयं पे लेके चलना है, ठीक है। तो दिलीप हम खुद हैं, स्वयं हैं, और माला मेरी पत्नी हुई, माला आपकी पत्नी हुई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे माला का भाई, माला का भाई कौन होगा बताइएगा। माला का भाई रोहित है, यहाँ बोल रहा है ना, रोहित जो है माला का भाई है, ठीक, माला का भाई है। तो आपका कौन लगा बोलिएगा। रोहित आपका साला हो गया, अभी रिलेशन आपको बताया था ना कि कौन लगता है, साला होगा। तो आपका रोहित से और आपका उससे रिलेशन क्या होगा बताइए। आपका, आप रोहित का, रोहित के जीजा लगेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, रोहित के, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो रोहित का आप कौन लगेंगे, जीजा, बन गया पहला। चलिए दूसरी विधि से बना देते हैं, चलिए देखिएगा दूसरी विधि। कौन सा दूसरा विधि, ठीक है, चलिए देखिएगा। दिलीप कौन है, दिलीप है, दिलीप कौन सा पूरी रूप से है, ठीक है। दिलीप की पत्नी, दिलीप की पत्नी कौन है, माला, माला है, माला कौन है, माइनस स्त्री है, ठीक। माला की जो रोहित कौन है, रोहित, रोहित कौन है, माला का भाई है, ये पत्नी है, ठीक। अरुण कौन है, उसका पिता है, किसका के बारे में, रोहित का पिता कौन है, अरुण, ये कौन है, पिता है, ठीक। अब पूछ किसके बारे में रहा है, पूछ रहा है इसके बारे में रिलेशन, ये कौन है बताइए। रोहित के कौन लगेंगे, जीजा, क्या कोई दिक्कत, क्वेश्चन कितना इजी है, बन गया ना, मैंने दोनों विधि से बताया हूं, उम्मीद करें कि आपसे बनेंगे। तो अगर मेरा चैनल जो मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ चैनल पे, अगर वो पसंद आया होगा तो लाइक और लोगों से शेयर कीजिए, ताकि और लोग जानकारी उनको भी हो, सीख सकें, बेसिक से सीख सकें वो भी, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग मेरे चैनल पे जुड़ सकें और वो सीख पाएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे मैं बताऊंगा, अभी और बेसिक से बताऊंगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे चैनल पे पढ़ने के बाद, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फ्री एंड कॉस्ट में चैनल है, जिसको कुछ नहीं करना है, कहीं भी नहीं, बस आप लाइक शेयर, आप इसी तरह से आप प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं नए क्लास में, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जरूर मेरा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए क्लास में।